क्या नाम है आपका? सुभाष। अच्छा सुभाष, तो कहाँ से आए थे आप? आगरा। आप जब हमारे पास आरोग्य केंद्र सोहना में आए तो आपको क्या मतलब बीमारी थी, क्या तकलीफ थी और कितने दिन से आप बीमार थे ये सब बताइए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सब लोग देखेंगे, हमारी वीडियो जो डलेगी तो चैनल पे आपको सब लोग देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे दबाव से या किसी और कारण से आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे काफ़ी आराम मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो कितने साल हो गए थे आपको बीमारी से? चार साल से परेशान है। तो चार साल से आपकी हालत इसीलिए हो रही है कि आपको परेशानी थी। तो आप देखिए इनको, सुभाष जी को क्या बीमारी थी, सुभाष जी का जो पेट का सिस्टम सही नहीं था, समझिए। और इनको गर्मी भी बनी हुई थी, आते सुगंध ली थी इनकी और वो एक दूसरे ऊपर यानी नले जैसे बोलते उसमें चढ़ गई थी, धर्म भी अपसेट थी इनकी। तो हमने कुछ नहीं, मात्र गोली इंजेक्शन तो नहीं दिया आपने, कुछ नहीं दिया, एक देसी जो हमारे जो बुजुर्ग हैं जो करते थे प्राचीन पद्धति के अनुसार वही क्रिया हमने इन पर अपनाई है। और अपनाने के बाद अब ये खुद अपना बयान आपके सामने कर रहे हैं, तो कितना परसेंट इनको आराम हुआ है ये खुद बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी भाई इस परेशानी से, इस बीमारी से परेशान है, तो उनके लिए आप क्या कहने जाते हैं सुभाष जी, जैसे जो आपकी तरह जो परेशान है? परेशान है तो उनको आना चाहिए हमारे पास, आपका ये मानना है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्यों क्यों उनको आना चाहिए आप बताइए, इसलिए क्यों आना चाहिए? मैंने जगह जगह भटक के देख लिया, मुझे कहीं कुछ फायदा नहीं जी, लेकिन आपके पास आने 10-15 मिनट में मुझे आराम मिल गया। तो बहुत अच्छी बात है। तो सुभाष जी का कहना है कि भी इनको आराम हुआ है इसलिए ये कहना चाहते हैं। तो हम फिर ये कहना चाहते हैं कि देखिए अगर नाभि हिल गई तो पूरा शरीर खराब हो जाता है और शरीर की हालात है सुभाष जी की तरह हो जाती है जैसे इनकी हो रही है, तो इधर उधर ना भटके एक बार अवश्य हमारे पास आए, इसका समाधान मिलेगा आपको यहाँ आने पर और आप खुश होंगे, यहाँ से जाएंगे और हम सिखाते भी हैं, सीख के भी जाएंगे ताकि और कोई भाई अगर ऐसा मिलेगा तो उसको आप ठीक कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।